मेरे ख्याल जो प्लेयर अभी इंजर्ड है उस पर काफी डिपेंड करेगा. बुमराह आई थिंक विल बी द की इफ ही गेट्स इफ ही कम्स बैक फुली फिट. कि अभी वो फिट कितना है एशिया कप में आइडिया होगा उनको भी. आयरलैंड में जा रहा हूँ तो मैं तो देख रहा हूँ बॉलिंग देख रहा हूँ बुमराह की. बुमराह अगर फुली फिट हुए तो फिर इंडिया मजबूत टीम होगी घर पे. सर एशिया कप को लेकर पाकिस्तान 2 सितंबर को पाकिस्तान के साथ मुकाबला है. पाकिस्तान क्रिकेट टीम को इस समय आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि पिछली बार भी उसे काफी देर में इंतजार किया गया था लेकिन भारत फाइनल तक भी नहीं पहुंच सका था और एशिया कप में श्रीलंका और फाइनल पाकिस्तान ने फाइनल खेला था. इस समय आप 2 सितंबर के मैच को लेकर क्या सकते हैं? देखिए ये अलग फॉर्मेट है, 50 ओवर्स का मैच है तो ये एक लंबा मैच है. T20 चलो हो गया ऑस्ट्रेलिया में खेल के आ गए पर इंडिया अच्छा खेलती है अगेंस्ट पाकिस्तान हमेशा. आप देखो ICC इवेंट में अच्छा खेलती है, इनका रिकॉर्ड अच्छा है और मोर देन रिकॉर्ड मेरे ख्याल से. मैं जैसे बोला कि जो प्लेयर इंजर्ड है क्योंकि इंडिया भी एट द मोमेंट नॉट लुकिंग द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑन पेपर बिकॉज आई थिंक दे आर मिसिंग द की प्लेयर्स. KL राहुल को मिस कर रहे हैं, अय्यर को मिस कर रहे हैं और मिस कर रहे हैं, ऋषभ पंत को मिस कर रहे हैं और सबसे बड़ा जो फैक्टर है बुमराह का है. बुमराह अगर वापस नहीं आएंगे तो इंडिया को थोड़ा सा और मेहनत करनी पड़ेगी मैच जीतने के लिए. बुमराह का बैकअप अभी तैयार नहीं हो पाया है. बुमराह अगर नहीं खेलते तो हम हार जाते हैं. आप गलत बोल रहे हैं. एशिया कप हारे, वर्ल्ड कप हारे, बुमराह नहीं होंगे तो हम इस बार भी दिक्कत में आएंगे.